السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.

टू ह्यूमन बींग टू मैनकाइंड आज का एपिसोड भी बहुत अहम है कि रमजान मुबारक में होने वाली आम गलतियां रमजानबारक में पाए जाने वाली आम गलतियां हमसे सरजद होने वाली आम गलतियों का जिक्र बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस रमजान मुबारक की बहुत ज्यादा अहमियत है और अल्लाह तला ने क्रन मजीद में जहां कहीं पर भी खास तौर से बकरा नंबर दो 183, 184, 185, 187 और नाइन ये पांच आयतों में अल्लाह सुबहान ने डायरेक्ट जहां पर रमजान मुबारक के रोजों से मुतालिक अल्लाह तला ने यहां पर कलाम फरमाया है इसके अंदर अल्लाह सुबहाना ने ऐसे नफीस इसके अंदर अल्फाज आप पाएंगे अल्लाह जिक्र फरमाया है उस पर गौर करेंगे तो वो लोग जो रमज़ान और बारक के होते हुए भी गलतियां करते हैं बेअतदाली बरतते हैं अकीदे की गलती अमल की गलती या अखलाक की गलती या मामले की गलती रमजान और बारक के आने के बावजूद भी अगर उन्होंने अपने अंदर सुधार नहीं किया ये रिफ्रेशर कोर्स जो इंसान को रिफ्रेश कर देता है ये एक इंसान को जिस तरह कहते हैं कि एक गाड़ी को ऑयलिंग कराते हैं आप सर्विसिंग कराते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से इंसान को भी ईमानी एतबार से अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश और ईमान गो बैक टू द बेसिक्स एंड बेसिक्स टेनेंट ऑफ इस्लाम गो बैक टू द बेसिक टीचिंग ऑफ इस्लाम हमको वापस लौटना है वापस पढ़ना है वापस फिर से कुरान मजीद सही अहादिस नबी बीरम सल्ला की सीरत को पढ़ना है और अपने ईमान को ताजा करना है नबी अक्रम सला ने इशाद फरमाया ईमान कमा जिस तरीके से कपड़ा बोधा पुराना हो जाता है तो थोड़ा कमजोर हो जाता है बोधा हो जाता है फटने के करीब आता है तो बिल्कुल इसी तरीके से ईमान भी इंसान का कमजोर और बोधा होना शुरू हो जाता है फज दीदूम नबी अक्रमल्ला वसलम ने इशात फर्मा सेह उल जामे की यह रिवायत कि नबी अक्रम सल्ला वसलम ने रिशात फर्मा अपने ईमान को प्रेस करते रहो फिर से उसको रिवाइव करो उसके अंदर अपने ईमान को बढ़ाने की कोशिश करो फिर से उसके अंदर तजदीद करो उसको फिर से आप उसके अंदर बेहतरीन तरीके से रिस्टार्ट लीजिए आप अपनी लाइफ में और कहिए कि मैं अपने ईमान को बढ़ाऊंगा कमजोर नहीं करूंगा कहीं ऐसा ना हो कि ईमान ही खत्म हो जाए तो कुरने मजीद में अल्लाह अल्लाबहन तौला ने इन आयतों में जहां पर हुक्म दिया तो कहा अयाम्मा मदूदत थोड़े ही तो दिन है ए लोगो जरा गौर करो यानी लूट लो मदूदत कुछ ही तो दिन है लेकिन वह बहुत अहम होते हैं तो कुरान कुर जबर आया इसके अंदर दो जबर लगाए गए तनवीन के साथ लगाया गया यानी कि एक तमबीह मकसद है यहां पर और एक तनवी यानी कि तवज्जो दिलाना मकसद है यहां पर मदूदत फिर आगे अल्लाह सुबहान तला कह रहे हैं कि जब अल्लाह तला क्या चाहते हैं हमसे यहा बिकम युसरा वाला यूरीद बिकम उसर अल्लाह ताला तंगी डालना नहीं चाहते अल्लाह ताला तो आसानी डालना चाहते ये रमजान मुबारक का महीना ला करके आप समझते हैं कि अल्लाह हमको तकलीफ में डालना चाहते रोजे रखवा कर रात में जगवा कर कुरान पढ़वा कर नहीं ये हमारे लिए फायदे की बात है रमजान मुबारक आएगा तो साथ में शब कदर भी आएगी पुराने जमाने में लोगों की उम्रें बहुत ज्यादा थी अब उतनी लंबी उम्र में आप उतनी लंबी इबादें करें और उसके बजाय अगर आपको कह दिया गया नौ सौ पचास साल ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी उम्रें हुआ करती थी उसके बजाय आपसे कहा जा रहा है कि ये साठ साल जो आपकी उम्र होती है अगर आप उसमें इबादत कर लेते हैं तो कहा रमजान मुबारक में एक ऐसी रात होती है ले लतुल कदरी खमिन अल्फिशहर एक हजार महीनों से बेहतर वाली रात अगर उसके अंदर इबादत की जाए यानी तकरीबन 83 थ्री इयर्स चार माह यानी एट्टी थ्री मरतबार किसी ने हज किया रोजा रखा कई इबादतें की तो ये सारी इबाते एक रात की इबादत एक तरफ, तरफ यानी उम्र कम है लेकिन सवाब ज्यादा कर दिया गया क्यों अल्लाह तला क्या चाह रहे हैं कि माहौल बनाया जा रहा है वली तुक मिलता कह रहे अल्लाह तह रहे तकमील करो अल्लाह की तकबीर बयान करो अल्लाह अकबर कहो शायद के तुम्हें रुझद हिदायत मिल जाए फिर आगे अल्लाह सुबहान तला फिर मजीद उभार रहे है और कह रहे हैं सूर्य बकरा सूरह नंबर दो क्या नंबर वन एटी सेवन में अल्लाह तला क्या कह रहे हैं तिलका हद्ला देखो रमना मुबारक आए तो जरा ख्याल रखो अल्लाह ने जो पाबंदी लगाई है तुम पर तुमने वादा किया है तुमने दावा किया है वादा भी किया है दावा भी किया है कि हम अब्दुल्लाह है अल्लाह के बंदे हैं तो अल्लाह का बंदा मतलब यह निकला कि गुलाम आका जैसे कहते हैं वैसे चलने वाले को ही गुलाम कहेंगे हम तो आका उल्लाह हो जाएंगे एक जब, आम जबान में अगर देखेंगे हम क्या अल्लाह के आका बनने जा रहे हैं हम कहेंगे अपने हिसाब से रोजा रखेंगे दिल चाह तो रख लिया किसी ने इरादा किया को अब किस्म किस्म के अब्दुल्ला हमें मिलते हैं कहते हैं कि हम गुलाम हैं अल्लाह के साथ साथ किसी और की भी गुलामी कर ली तो यह सही गुलामी नहीं हुई या कहते हैं कि हम तो अल्लाह की बात मानेंगे मानेंगे हमेशा एहतराम कहते अल्लाह 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 कहते लेकिन साथ में नाफरमानिया भी जारी है या अल्लाह के साथ साथ या अल्लाह को बिल्कुल छोड़कर किसी और ही को हमने माबूद और मस्जूद बना लिया है और हमेशा उसी पर तक क्या करते हैं और अल्लाह ताला की साथ ता पलट दुआ भी नहीं करते यह तो और भी गलत बात हो गई या अल्लाह को रखकर किसी को शर्क करते हैं तो यह तो और भी बुरी बात हो गई अल्लाह सुबहान तला ही के रोते हैं लेकिन खाली बस तस्बी और तहमीद और अल्लाह अल्लाह कहते हैं लेकिन अमल नहीं करते तब तो भी गलत बात है अब्दुल्ला का मतलब है कि गुलामी यानी अल्लाह ताला जिस तरीके से चाहते हैं बगैर शिर किए हुए बगैर किसी शराकत के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक खालिश अल्लाह के लिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक अपने पूरी जिंदगी को अल्लाह की गुलामी में डाल देना है माखलून मैंने जिन्हों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरे अकेले की बात करें यह पूरी कायनात इंसानों की खिदमत के लिए और इंसान अल्लाह की बाद के लिए फिर आगे अल्लाह सुभान व तआला सूरह बकरा सोमबर्दो के आयत नंबर वन एटी नाइन में अल्लाह तआला क्या पैगाम दे रहे जहां पर चांद का जिक्र आ रहा है यस अलू नवाकी तुलना सी वल हज وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يعني الله سبحانه وتعالى سورة بقرة سنبر دو كيات نمبر 187 میں کیا سبحانه وتعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون تقوية کا سورة بقرة سنبر دو كيات 189 الله سبحانه وتعالى کیا बातुलबूत तुम अगर कामयाब होना चाहते हो दुनिया और आखिरत में तो तुम अल्लाह का तखवा अख्तियार करो तखवा का मतलब यह है जैसा कि मैंने आपको इससे पहले के एपिसोड में डिटेल में बताया इसका माना सिर्फ खौफ नहीं है बल्कि उससे भी बड़ी चीज यानी अल्लाह ने जहां कहा करने के लिए तो वहां करते चले जाओ जहां पर रुकने के लिए कहा वहां पर परहेजगारी अख्तियार करो रुक जाओ इसका मतलब होता है तखवा यानी वो कैफियत पैदा की जाए कि जहां अल्लाह चाहता है वो काम करे जो चीजें अल्लाह ताला पसंद नहीं करता उससे रुक जाए इसको कहते हैं तकवा की कैफियत पैदा करना और फिर यही वर्ष सूरह बकरा सूरह नंबर दो के आयत नंबर वन एटी थ्री में लाल लकम तपतन यानी मुबारक के रोजों का जहां पर अल्लाह ताला ने जिक्र किया डायरेक्टली पांच आयतों में अल्लाह सुभान व तआला ने तीन मरतबा तकवे को बार बार दोहराया है इससे हमें पता चलता है रमजान मुबारक में खास तौर से ख्याल रहे रखे कि किसी भी तरीके की नाफरमानी हम ना करें आइए देखते हैं कि माशरे में क्या क्या किस्म की बेअतदालियां और नाफरमानियां और हमदान मुबारक में मुखालफतें पाई जा रही नंबर वन शिरक और बिदान अल्लाह अकबर हमारे बहुत सारे भाई रोजा रखते हैं रोजा रखते हैं और रोजा रखते रखते साथ में अगर वह शिरक भी कर रहे हो तो फायदा क्या है जैसा कि अगर आप पढ़ते सही मुस्लिम हदीस नंबर सात हजार एक सौ चौदह में मन अशरक की ही माई अगेरी नबी अक्रम सल्ला तो वसल् अल्लाह सुबहान तला की तरफ से यह बयान कर रहे हैं कि जिसने अल्लाह तला खुद कर हदीस खुद सी जिसने मेरे साथ किसी को शरीक कर दिया तारक तो हूँ व शिर कहू मैं उसको भी छोड़ दूंगा उसके शिरक को उसके साथ छोड़ दूंगा अल्लाह ताल को ऐसा रोजा पसंद नहीं है साथ में शिरक भी हो रहा है अकीदा बहुत इंपॉर्टेंट है अगर अकीदा ही गया अगर अकीदा चले गया तो अकीदे के साथ नमाज रोजा सब बह के चला जाएगा सब बेकार है बुनियाद सही होनी चाहिए तो इमारत सही ठहरेगी अगर बुनियाद ही गलत हो जाए खिश्ते अव्वल चू नहद में मारे कच पहली ही अगर ईंट टेढ़ी रख दी जाए ता सुरैया मी रवत दीवार अगर सुरैया तक भी दीवार खींच दी जाएगी तो टेढ़ी रहेगी पहली ईंट टेढ़ी तो दीवार भी टेढ़ी तो शिरक और बिदत तो हमारे लाइफ में होनी नहीं चाहिए कोई भी अमल में बिदत अगर आ जाए या शिरक अगर आ जाए तो अल्लाह सुबहाना वाले के पास वो चीज मरदूद हो जाती है अल्लाह तला कबूल नहीं फरमाते तो हमको अरबी नहीं आता है तो हमको और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए जानने के लिए कि ला इलाह लाला का माना क्या है ला इलाहल्लाह का माना क्या है हमको यह जानना बहुत जरूरी है यहां पर अल्लाह ताला ने नॉर्मल ला इस्तेमाल नहीं किया ला इला मतलब नॉर्मल ला है हो भी सकता नहीं भी हो सकता ला रई बफी वाला है ला इलाहा वाला है ला नबी आबादी वाला है मेरे बाद कोई नबी नहीं मतलब कोई आ ही नहीं सकता छोटा नबी ना बड़ा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता वह तरह से ला रई बफी कोई किसी भी किस्म का शक नहीं है तो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद यानी यहां पर सच्चे माबूदों की बात सच्चा मात कोई है क्या अल्लाह के अलावा नहीं है नहीं है कोई सच्चा माबूद सिवाय अल्लाह के यहां पर जो ला है वो स्पेशल ला है इसको कहते हैं ला के बाद अगर जो वर्ड आ रहा है वो नकीरा है यानी उसके पास लिफ नहीं है और उसके ऊपर क्या है जबर है तो ये स्पेशल ला होता है इसको कहते हैं लाए नफी जिज यानी ऐसी नफी निगेशन कर रहे हैं आप निगेट कर रहे हैं, नहीं कह रहे कैसा नहीं कह रहे हर तब जिंस जितने भी कैटेगरी का दुनिया में नहीं हो सकता वो सारा नहीं ला इलाहा वक्त के अतबार से देखिए आप जगह के एतबार से देखिए पर्सन के अतबार से चीज के अतबार से यानी मतलब टाइम के अतबार से मादी में भी नहीं हाल में भी नहीं मुस्तकबिल में भी नहीं और इसी तरीके से अगर आप जगह के एतबार से देखेंगे आसमान में भी नहीं समंदरों की गहराई में भी नहीं डेजर्ट में भी नहीं बर्फीले मकामा पर भी नहीं अगर अफराद के एतबार से देखेंगे फरिश्ते आसमान के फरिश्ते भी नहीं जमीन के फरिश्ते भी नहीं अर्श को उठाने वाले फरिश्ते भी नहीं अंब्या कराम भी नहीं रसूल भी नहीं अलिया कराम भी नहीं साहब कराम भी नहीं ताबयन भी नहीं दुनिया का कोई भी नहीं और कोई भी चीज नहीं ना कोई पत्थर ना कोई औजार ना कोई दरख्त ना कोई सूरज ना कोई चांद और ना कोई पत्थर ना कोई सनम ना कोई वसन और ना कोई तावीज कोई चीज नहीं यानी मतलब क्या निकला अल्लाह सुबहान ताला के मुकाबले में कभी भी नहीं कहीं भी नहीं कोई भी नहीं कोई जर्रा बराबर चीज भी नहीं किसी भी एतबारे नहीं के जितने माने आ सकते ना अल्लाह के मुकाबले में कोई नहीं ठहर सकता ला इलाहा नहीं है कोई सच्चा मबूद सिवाय अल्लाह सिवाय अल्लाह चूंकि अबू लहब और अबू जहल ये जानते थे कि अल्लाह ला इला कहने का मतलब है कि आज से 360 सौ साठ बुत नहीं अरबी जानने वाले यहूदी जानते थे आज से उदय अब्नल नहीं आज से ईसा अलतलाम इब्नुल्ला नहीं तस्लीस का कोई अकीदा नहीं ट्रिनिटी का कोई अकीदा नहीं और इसी तरीके से जो उस जमाने के सबीन और मजूस थे दो खुदाओं के अकीदा रखने वाले खैर शर अहरमन रज़दा को मानने वाले दो खुदाओं के मानने वाले दो खुदा नहीं रोम के लोग कहते थे तीन मिलकर एक नहीं यहूदी कहते थे ईसा उजैर रुबन उधर अल्लाह के बेटे नहीं और इसी तरह कुारे कुरैश कहते तीन सौ साठ बुत नहीं लात नहीं उज्जा नहीं मनात नहीं ला इल्लल्लाह यानी पहले गिलास को पाक करना अफ यू वाली बात पहले सफाई कर देना है। दो रुकन है। जब तक ये दो रुकन अदा नहीं होंगे आपका कलमा काबिल कबूल नहीं है पिल्लर है नहीं पहले सफाई होनी चाहिए दिल से पाक कर लीजिए सारे बुतों को सारे शिर को हर किस्म के आलाइश इसको पाक कर गिलास अच्छी पाक हो जाए उसके अंदर आप प्योर वाटर ला इलाह इला ला ये अखीदा बिठाइए प्योर अखीदा नहीं है कोई सच्चा माबूद सिवाय अल्लाह के ये अखीदा होना चाहिए अरब के लोगों को मालूम था ला इला पढ़ने के बाद आप किसी को भी शरीक नहीं कर सकते कहीं पर भी सजदा नहीं कर सकते आप सजदा किसके लिए होगा अल्लाह ही के लिए होगा हम काबे को भी जब सजदा कर रहे हैं तो किसके कहने की बुनियाद पर कह रहे हैं अल्लाह इसका मतलब रुख काबे की तरफ है वरना हम असल में इतात किसी कर रहे हैं अल्लाह की इसी तरीके से बैतुल बैतुलमद एक जमाने में अल्लाह ने हुक्म दिया था तो हम वहां पर सजदा करते थे लेकिन जब अल्लाह ताला ने कहा से नहीं करना है अब कोई अगर बैतुल बैतुलमद की तरफ सजदा करेगा तो शिरक हो जाएगा हालांकि एक जमाने में था बैतुल बैतुलमजिद की तरफ आप सजदा कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं है असल पॉइंट यह है इसका मतलब यह कि हम काबे को सजदा नहीं कर रहे काबे के सजदा अल्लाह को कर रहे इससे पता चला कि बैतुल किसी जमाने में सजदा करने की जात थी लेकिन आज नहीं कर सकते तो दुनिया के वो सारे जगह जहां जहां पर भी जाके एक आदमी अपना माथा टिका रहा है इस्लामी अतबार से हम अपना माथा नहीं टिका सकते ताजिम के तौर पर भी नहीं क्योंकि नबी अक्रम सला ने शाद लु� फरमाया अगर अगर इजाजत होती शौहर का इतना बड़ा मरतबा है इस्लाम में अगर सजदा करने की इजाजत होती तो मैं यह कहता कि बीवी सजदा करे किसको शौहर को सजदा करे लेकिन इस्लाम में इसकी भी जात नहीं है अब यहां पर जो सजदा हो रहा है यानी बीवी अगर ईजात होती तो बीवी को कहता कि वो सजदा करे किसको शौहर को तो ये सजदे इबादत है तजद ताजीमी सजद ताजी इसका मतलब सजद ताजी भी जाती है इस्लाम में तो बहुत ही वादे होगी बात क्लियर अरब के लोगों को चूंकि माना मालूम था इसलिए वो लोग ला इला कहने में आगे पीछे हो रहे थे जो लोग समझे तो पूरा मुकम्मल तौर पर समझ गए फिर उन्होंने उस जगह पर सजदा नहीं किया जिसकी इजाद नहीं मिली लेकिन जिन लोगों ने नहीं माना तो मुकम्मल तौर पर नहीं माना लेकिन बाद हम देखते हैं अमली तौर पर मुस्लिम ला इलाह्ला कहते हुए भी कहीं ना कहीं जाकर हम सजदे करते हैं जिसको कुरान और हदीस में कोई दलील नहीं आती तो मतलब क्या निकला हमने ला इला का मतलब सही नहीं समझा और ये ला इला के कुछ शर्तें हैं कंडीशन है जैसा कि फजैल बिन अयास से पूछा गया फजैल बिन अयाज रहमत कसीर रहमतुल्लाह अलैह इनके तफसीरें काफी नकल करते हैं उनसे पूछा गया कि कहा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का जन्नत में चला जाएगा फिर ये अमल की क्या जरूरत है फिर ये कंडीशन की क्या जरूरत है ये सारे दावत की क्या जरूरत है सबर की क्या जरूरत है जिंदगी भर इस्लाम को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है ला लाला कहेंगे जन्नत में चले जाएंगे क्या ये जन्नत की चाबी है क्या ला, है ला इला इला इला। तो फजैल बिन रहमतुल्लाह रतल कहते हैं यकीन ये चाबी है लेकिन हर चाबी के कुछ दंदाने होते हैं कुछ दांत होते हैं तो इस चाबी के ये दांत है कि उसके मुताबिक आप अमल करें और अकीदा रखें तो बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से अगर आदमी के पास चाबी है और चाबी के दांत है लेकिन वो दांत को ले जाकर अगर वो मान लीजिए पत्थर पर खूब अगर वो धस दे तो खुपल खुलने में उसके लिए मुश्किल हो जाएगी तो बिल्कुल इसी तरीके से एक आदमी कलमा पढ़ता है लेकिन कलमे के खिलाफ अमल करना शुरू कर देता है अगर उसने पूरी तरीके से उसके दांतों को उखाड़ दिया तब तो खफल खुलने मुश्किल हो जाएगी अगर उसने कलमा पढ़ने के बाद शिरक कर लिया तो उसकी मिसाल ऐसी है कि चाबी होने के बावजूद उसने अपने दांतों को तोड़ लिया चाबी के दांत को तोड़ दिया लेकिन एक आदमी दांत नहीं तोड़ता लेकिन दांतों को घसना शुरू कर देता है तो खुलने के लिए मुश्किल हो जाएंगी तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर अकीदा ही खराब हो गया गाय के दांत उसने तोड़ लिए लेकिन अगर वो अमल में खराब हो गया इसीलिए कहा गया सात शर्तें पूरी करना जरूरी है एक आदमी को ला इल्लल्लाह से सही फायदा उठाने के लिए जिसको अरब के एक शायर ने एक शेर में कह दिया है العلم واليقين والقبول قدر ما أقول والصدق والإخلاص الله لما अहब्बा سات कंडीशन العلم. उसको पहले इल्म होना चाहिए लाला ला का माना और मतलब मालूम होना चाहिए जो मैंने आपको मुख्तसर तौर से बताया इतना तो उसको इल्म होना चाहिए यानी मतलब ये कि शिरक नहीं होना चाहिए निफाक में होना चाहिए कुफर में होना चाहिए बिदाते नहीं होना चाहिए ला अला मोहम्मदर रसुल्लह मोहम्मदर रसूल्ला मोहम्मद वसम्ला के रसूल है यानी अल्लाह के लिए करना चाहिए मोहम्मदी वसम के बतलाए तरीके के मुताबिक करना चाहिए यह है कलमे का बुनियादी तौर पर लेसन अलम वल यकीन यकीन होना चाहिए शक नहीं होना चाहिए इस्लाम पर शक आ गया तो फिर मुश्किल है मुनाफि हरकत हो जाती है अल वल यकीन वल कबूल एक्सेप्ट करना चाहिए अबू तालिब को यकीन था लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया जबान से ला इला इला नहीं कहा हमको एक्सेप्ट भी करना चाहिए अल वल कबूल वल इन कयाद यानी सिर्फ एक्सेप्ट करके काफी नहीं होता एक्सेप्ट करने के साथ साथ फॉलो भी करना चाहिए अरब के जो बद्दू थे फॉलो करने बड़ी मुश्किल होती थी आगे पीछे होते थे बात नहीं मानते थे जैसा कि बहुत सारे बेअमल मुसलमान जो अमल नहीं करते आगे पीछे होते अल्लाह ताला हिफात पर मैं हमको अमल में और अच्छे से अच्छा कर दे वल वाल वल वा अल्कयादू वा पदरी माकूलू व सिद्कू सच्चाई होनी चाहिए उसके अंदर दिखावे के लिए नहीं और तस्दीक करे माने इस्लाम को दिल से भी माने जबान से भी माने और उसको सच्चा कर दिखाए जाकर प्रेजेंट करें इस्लाम को आदमी के सच्चाई की अलामत है क्या हो उसको फैलाता जिस चीज को आप हक समझते उसको आप फैलाते हैं व वल अखलासू और ये सारे काम किसको खुश करने के लिए होना चाहिए अल्लाह और ये सारे काम सुस्ती से काहिली से नहीं हो सकते वल महब्बा और इबादत का रुकन क्या है माजुल्लिन तान माहुब्बिन ताम कि पूरी तरीके से आदमी अल्लाह ताला के लिए अपने ख्वाहिशात को हवाले कर दे सरनिगो हो जाए माहुब्बिन ताम जबरदस्ती से नहीं नफरत से नहीं कई बादशाहों के सामने लोग झुक जाते हैं लेकिन दिल में उस बादशाह से नफरत करते हैं ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए जब आप झुकते हैं आपका सर झुकता आपका दिल झुकता आपके ख्वाहिशात झुकते हैं तो साथ में मोहब्बत के साथ होनी चाहिए मोहब्बत उम्मीद और खौफ के मिले जुले जज्बा से ईमान निकलता तो बहरहाल रमजानुल मुबारक में होने वाले अहम गलतियां बेअतदालियां और कुरान और सही अहादिस की मुखालफतों का हम जिक्र कर रहे थे आज के एपिसोड में इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मैं जारी रखूंगा इन बातों को और आज के एपिसोड में हमने जो सीखा वो है अकीदा खासतौर से उसके अंदर शिर्क और बिदात से बेजारी शिर्क और बिदात से नफरत इसको सीखना बहुत जरूरी है रमजान मुबारक में अगर कोई रोदा भी रखे और साथ में वह शिरक भी करता हो बिदाते भी करता हो तो ये आज का अमल कबूल नहीं किया जाएगा जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया तरक्त हो वह शिरक हो मैं उसको भी छोड़ दूंगा उसके अमल को भी छोड़ दूंगा सही मुस्लिम हदीस नंबर सात हजार एक सौ चौदह तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुबहान तला हम सबको को इन अहम बातों पर अमल करने तो फ़रमाए अकीदे को सही रखने तोफेता फ़रमाए अल्लाह ताली हमारी इबादतों को शर्क से बिदात से कुफर और निफाक से पाक कर दे और बिदातों से पाक कर दे अल्लाह के लिए खालिस कर दे मोहम्मद अलैहि वसल्लम से बतलाए तरीके के मुताबिक कर दे नबी और साहबा के फहम के मुताबिक कर दे आमीन व आखर उदावाना अहमद ला रब आलमी